गुलबर्गा शहर में आवारा कुत्तों के आतंक पर अक्षकुड़ा चेयरमैन असगर चुलबुल ने सिटी कॉरपोरेशन पर कई सवाल उठाए हैं। कल शहर में एक आवारा कुत्ते ने लगभग 100 के करीब लोगों को जख्मी कर दिया है और असगर चुलबुल ने इस हमले का जिम्मेदार सिटी कॉरपोरेशन को बताया है। असगर चुलबुल ने कहा, इससे पहले भी शहर में पिछले कई मरतबा आवाम इन आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार हो चुकी है। सिटी कॉरपोरेशन को कई कंप्लेंट देने के बाद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसका नतीजा गुलबर्गा शहर के तमाम 55 वार्ड्स में आवारा कुत्ते झुंड की शक्ल में बेखौफ घूमते नजर आते हैं। असगर चुलबुल ने कहा, अगर इन आवारा कुत्तों पर रोक लगाना है तो सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को चाहिए शहर से कुछ दूरी पर एक डॉग हाउस बनाया जाए और जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के तहत कचरा शहर से दूर शिफ्ट किया जा रहा है, इन आवारा कुत्तों को भी एक डॉग हाउस बनाकर शहर से दूर रखने की जरूरत है। देखिए, पहले तो सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को चाहिए कि पूरे जितने भी 55 वार्डों में जो कुत्ते जो है झुंड की शक्ल में फिर रहे हैं, ये बहुत ही उसको सीरियसली उनको लेना चाहिए। साबिक में भी ऐसे कई एक वाक़यात आए हैं, लेकिन कॉरपोरेशन की जानिब से ऐसा कोई एक ठोस कोई प्लानिंग कोई ऐसी स्कीम वो नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से ये कुत्ते जो दिन ब दिन बच्चों को बड़ों को, अब नौबत तो यहाँ आई कि आज देखा आपने कि 100 से ज़ायद लोगों को एक कुत्ते ने ज़ख्मी कर दिया। तो ये बहुत ही सीरियसली इसको काम करने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि कॉरपोरेशन उसको सीरियसली उसको ले रही है, काम कर रही है। रही दूसरी बात, यहाँ पर कुत्तों को लेकर के, कुत्तों की फैमिली को प्लानिंग को लेकर के इसमें भी कई एक बदउद्वानियाँ मैं कह सकता हूँ कि हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए कि हमारे पास कई एक कुत्तों का झुंड, सुबह आप आइए फजर में देखिए कि 40-40, 50-50 कुत्ते एक झुंड की शक्ल में ये वार्ड से वो वार्ड में घूम रहे हैं। तो हमने कई बार उनको इत्तला भी दी, आपके चैनलों के थ्रू भी बतलाया कि कुत्तों के जो झुंड हैं 50-100 की तादाद में वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द पकड़िए। तो कॉरपोरेशन के जो सैनिटरीज हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं उनका ये कहना है कि हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जैसे हम करीब जा रहे हैं कुत्ते भाग रहे हैं। तो इसका कोई ये गैर जवाबदारी और इसका जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हुए जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कमिश्नर कॉरपोरेशन को खुद बाहर निकल कर कहा कि इन तमाम जितने भी वार्ड्स में जो कुत्ते जो घूम रहे हैं उनको एक वैन में लेकर के, चाहे 100, 200, 500, 1000 जितने भी हो, एक बाहर सिटी के बाहर, जैसा हम SWM के लिए कचरे के लिए हम जिस तरीके से हम कॉरपोरेशन की जानिब से वहाँ पर स्कीम चला रहे हैं SWM के नाम से, वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से कचरे का वहाँ काम हो रहा है, तो वहीं कहीं आस पार एक गवर्नमेंट लैंड 1-2 एकड़ लेकर एक डॉग हाउस बनाएं और वहाँ पर जितने भी कुत्ते हैं उनको, जो आवारा कुत्ते हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, उनको वहाँ पर शिफ्ट करें 1-2 एकड़ में एक डॉग हाउस बनाकर, वहाँ पर वो खाने पीने का जो भी इंतज़ाम वो करें। ये कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बार बार ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कुत्तों को नहीं मारना चाहिए। अब कुत्ता जो है ना इंसानों को काट रहा है, वो उससे उसकी ऊपर वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए कॉरपोरेशन कमिश्नर को चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को चाहिए कि इमीडिएटली इस ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाएं और एक प्लानिंग करके इसको एक अच्छी शहर के बाहर इसको एक अच्छा सा एक जो डॉग हाउस होता है उसको वहाँ बना करके तमाम जितने भी आवारा कुत्ते फिर रहे हैं उसको अगर शिफ्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ काफ़ी हद तक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। रही दूसरी बात, हमको चाहिए कि तमाम शहरों के भी ये जो कुत्तों के नाम से जो बिल उठा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो कितने कुत्तों की उन्होंने फैमिली प्लानिंग की है, कितने कुत्ते उन्होंने अभी तक पकड़े हैं और कितने कुत्तों को उन्होंने शिफ्ट किया है, इसकी भी तफसील अभी तक नहीं आई है। तो मैं कॉरपोरेशन कमीशन से अपील करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आवाम के सामने रखें।